फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मीशो कभी कभी मुझे बहुत दुखी कर देता है और कभी कभी मुझे बहुत खुश कर देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइटम शेयर करने वाली हूँ जिसको देखकर मीशो ने मुझे बहुत खुश कर दिया। कुछ होने वाले हैं होम डेकोर के और दो होने वाले हैं बहुत ही प्यारे से सूट सेट। सबसे पहले शेयर करती हूँ ये। यार ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अफोर्डेबल है और आपके घर में चार चांद लगा देगा। ये होने वाला है बेसिकली एक कपड़े के ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी और मिरर का काम। ये बहुत ही लाइट वेट है, मतलब इसके लिए आपको कोई कील वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो स्टिक ऑन हुक्स आते हैं ना, ये उस पर लग जाएगा और इसकी लुक बहुत अच्छी है। साइज़ भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। एम्ब्रॉयडरी की अगर मैं बात करूँ तो आप पूरी एम्ब्रॉयडरी और यहाँ पर पूरा मिरर वर्क देख सकते हो। नीचे आपको पूरे में इस तरीके की लटकन लगी हुई मिलती है। ये हैंडमेड है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, लुक इसकी बहुत अच्छी है। और यह है पैक ऑफ टू। अगर आपको भी अपने घर के बाहर एंट्रेंस पे कुछ सजाने के लिए चाहिए बट भारी भरकम चीज़ें आप नहीं लगाना चाहते हो, मैं तो एक्चुअली क्या करती हूँ वहाँ के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें ले रखी हैं कि मैं हर हफ्ते 10 दिन में चेंज करती रहती हूँ, तो लुक बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसलिए मैंने ये मंगवाए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ इन सबके लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मंगवाया है ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और हैंडमेड है। इसे भी मैंने स्टिक ऑन हुक पर ही लगा रखा है। इसमें मैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर पॉट रख देती हूँ, वो मैंने अलग से खरीदा है, वो इसके साथ फ्री नहीं आया था। ये बेसिकली क्या है, ये झूला है बेसिकली। इसे ना थ्रेड से बनाया गया है और इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। मुझे तो चाहिए था जहाँ से मेरी लिफ्ट की होती है ना स्टार्ट घर के बाहर, वहाँ पर लगाने के लिए कुछ चाहिए था, थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने कहा चलो इसे मंगवा लेती हूँ। इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी और ये बहुत लाइट वेट है, तो ईजिली जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इन्हें आप स्टिक ऑन हुक्स पे लगा सकते हो। इसके लिए आपको कोई कील वील आपकी दीवार पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसमें कई सारे डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। ये आपको बहुत सस्ते मिल जाता है, मतलब बहुत सस्ता अगर मैं बोलूँ ना तो ये अंडर 200 और 250 के अंडर आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँ, आजकल यार ये मेटल वाली पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फैशन में है, ट्रेंड में है। ये भी आप स्टिक ऑन हुक्स पे लगा सकते हो। इसमें आपको गोल्डन कलर मिलता है स्प्रे करा हुआ। अगर कई बार होता है कि स्प्रे निकल जाए तो आप इसमें ना जो आते ना स्प्रे पेंट्स, उसमें गोल्डन वाला कलर लेके खुद स्प्रे कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ये और इसमें आपको तीन मिलते हैं, तीनों में सेम डिज़ाइन है। इसमें आप चाहो तो अलग अलग डिज़ाइन भी मंगवा सकते हो। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है और अगर आप के अंदर थोड़ा सा कलाकार है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें कलरफुल कलर लेना अपने बच्चों के और खुद ही कर लेना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है इनकी। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, मैंने दिवाली के टाइम पे ना ये मंगवाई थी। ये होती हैं बेसिकली उर्ली होती है ना जो, इसे मैंने दिवाली के टाइम पर 5 दिन यूज़ किया। अभी जब राम मंदिर का था फंक्शन तभी भी मैंने इसे 3 दिन तक अपने घर के बाहर लगाया। ये यार ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने उस टाइम पर भी 3 मंगवाई थी और काफ़ी अफोर्डेबल मंगवाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अच्छी नहीं निकलेंगी, हो सकता है 2-4 दिन में ख़राब हो जाएंगी, बट यार इनकी क्वालिटी ने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया है, तो डेफिनेटली आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। मैं तीनों के ही लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनकी लुक बहुत अच्छी आती है। मैं तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लेती हूँ, इसमें फ्लावर वगैरह लगा देती हूँ, फिर रात को इसमें दिए लगा देती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छे। और साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो छोटे छोटे मंगवाए हैं तो मेरे ना हर जीने पे एक फ़िट हो जाता है, तो डेफ़िनेटली आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। मीशो के ये होम डेकोर आइटम्स ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है क्योंकि इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, तो डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अब शेयर करती हूँ आपके साथ सूट जो मैंने मंगवाया है। ये वाला सूट की अगर मैं बात करूँ, ये वाला सूट मेरे पास 2 कलर में पहले से ही है। मैं आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखा दूंगी साइड में। मेरे पास सबसे पहले मैंने लिया था ब्लू कलर में, फिर मैंने लिया मस्टर्ड कलर में, अब मैंने लिया है ये पर्पल कलर में। इसका कॉम्बिनेशन यार वाइट के साथ बहुत अच्छा लगता है, किसी भी कलर में ये अवेलेबल हो इसके साथ वाइट का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब आज की डेट में मेरे पास ये वाले पजामा और दुपट्टे 3 सेट हो चुके हैं, तो मैं तो अपने किसी प्लेन कुर्ती के साथ भी पहन लेती हूँ इनको, जिनके साथ वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना उनके साथ मैं पहन लेती हूँ। इस सूट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फैब्रिक का बिल्कुल कलर नहीं निकलता है। मैंने जो ब्लू लिया, मैंने जो मस्टर्ड लिया, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे निकले, तभी मैंने यार कॉन्फिडेंस में आके 3रा सेम मंगवाया है। ये आप देखेंगे ये बिल्कुल प्लेन होता है, इसमें आपको ना यहाँ से इस तरीके से सिलाई करके डिटेलिंग मिलती है, थोड़ी सी लुक इन्हेंस हो जाती है। इसका ये पैच वर्क बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको ना वाइट और गोल्डन कलर का थ्रेड वर्क मिलता है और इसी तरीके से स्लीव्स पर भी आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है। बहुत प्यारा सूट है ये। इसके साथ आपको मिलता है वाइट कलर का बॉटम वेयर, मैं आपको दिखा देती हूँ।
इसमें नीचे की तरफ आपको इस तरीके से मिलती है एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर और ऊपर से मिलता है लास्टिक। इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा है, नेट का दुपट्टा होने वाला है जिसमें पूरे गोल्डन कलर के थ्रेड वर्क से पूरी डिटेलिंग करी हुई है। यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें वाइट और गोल्डन कलर का थ्रेड वर्क है। बहुत ज़्यादा प्रिटी सूट है ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला सूट। इसके अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो आपको इस तरीके से किनारी पर बॉर्डर मिलता है चारों तरफ। जी हाँ, इसका दुपट्टा हो चाहे सूट की क्वालिटी हो, अमेजिंग है। मेरे बोलने पे आप एक बार ये ट्राई ज़रूर करना। सोचो जिस सूट के मैं तीन तीन ले चुकी हूँ वो कितना ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास कपड़ों की भगवान की दुआ से कमी नहीं है, बट ये मैंने तीन मंगवा ली है। एक मैंने और मंगवाया है, ये है रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में। ये लखनवी जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, ये उसका होने वाला है। कॉटन के फैब्रिक पर लखनवी एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको मिलता है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसका, और ये पूरे सूट में आपको एम्ब्रॉयडरी मिलता है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी प्रिटी एम्ब्रॉयडरी है इसकी। यहाँ पर भी आपको पूरा बॉर्डर मिलता है और नेक पर आपको बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिलती है। स्लीव्स पर भी आपको इसी तरीके की डिटेलिंग मिलती है। इसके बॉटम वेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको वाइट कलर का मिलता है, ये आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आपको मिलता है इसमें भी रेड कलर से इस तरीके की डिटेलिंग, और इसके साथ आपको मिलता है कॉटन का दुपट्टा। दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप पूरी साटन की लेस की बॉर्डर मिलती है चारों तरफ, ये आप देख सकते हो। और बीच बीच में आपको मिलते हैं रेड कलर के इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी करी हुई पूरे दुपट्टे पे। तो मुझे तो यार मीशो वालों ने कर दिया है खुश। अगर आप भी खुश होना चाहते हो तो इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना। मीशो की लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करे थे पार्टी वेयर बहुत ही प्यारे प्यारे से क्लचेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके प्रोडक्ट का लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत प्यारे क्लचेज हैं, जाके ट्राई ज़रूर करना। लिंक मैंने आपको सभी प्रोडक्ट के दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।